क्या यूपी में कांग्रेस के खराब हालत के लिए राज बब्बर जिम्मेदार हैं? क्या राज बब्बर पर फूटने वाला है यूपी में कांग्रेस की हार का ठीकरा? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन मिशन 2022 में कोई कमी ना रह जाए इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अभी से ही पार्टी के ढीले पेच कसने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी गाज गिराए जाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में नेताओं की फेरिस्त में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। दरअसल यूपी में कांग्रेस की करारी हार के बाद राज बब्बर ने पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन अब जैसे तैसे पार्टी के पास यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन का फीडबैक मिल रहा है। प्रियंका ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर पर निष्क्रियता का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो प्रियंका ने यूपी के पार्टी कार्यकर्ताओं, पूर्व यूपी के तीनों पार्टी सचिवों और पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में राज बब्बर के बारे में दो टूक कहा है कि उन्होंने प्रदेश में कुछ नहीं किया जिससे स्थिति और बदतर हो गई। प्रियंका के इस बयान से साफ है कि राज बब्बर पर गाज गिरने वाली है। खबर है कि पार्टी में अब युवाओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं और समाज के पिछड़े तबकों को पार्टी से जोड़ने के लिए मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। खबरों की माने तो राज बब्बर की जगह यूपी कांग्रेस के सीएलपी नेता अजय कुमार लल्लू या फिर दो बार विधायक रह चुके और उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रियंका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान ऐसे व्यक्ति को देना चाहती हैं जो दिल्ली के सियासी गलियारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हार के बाद जितने कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से मुलाकात की सब ने राज बब्बर के बारे में कहा कि उन्होंने कभी यूपी में समय नहीं दिया, वो सिर्फ लखनऊ, दिल्ली और मुंबई से यूपी में कांग्रेस को चला रहे थे। इन संकेतों से साफ है कि प्रदेश में हार का ठीकरा राज बब्बर पे ही फूटने वाला है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।